आज मैं बच्चों को ये बताने जा रहा हूँ, आईटीआई के बच्चों को जो डीजीटी के द्वारा बदलाव किया गया है और अहम बदलाव किया गया है और आईटीआई पास करना बिल्कुल ही आसान हो गया है। तो आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बदलाव क्या क्या हुआ है। अब मात्र दो दिन आपको दो पेपर का ही परीक्षा देना होगा। कौन कौन पेपर? एक प्रैक्टिकल जो कि आपके कॉलेज में ही होगा, उम्मीद है कि प्रायः सभी का प्रैक्टिकल कॉलेज में ही उसी संस्थान में लिया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो, उसी संस्थान में लिया जाता है। और उसके बाद क्या बदलाव हुआ है, आपको कौन कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी, एक प्रैक्टिकल की और एक थ्योरी की। तो थ्योरी में आपको कौन कौन से परीक्षा, सीबीटी जो होगा आपका ऑनलाइन, उसमें कौन कौन से पेपर रहेंगे और उसमें कितने प्रश्न रहेंगे और प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी और मार्क्स कितना रहेगा और पासिंग मार्क्स कितना रहेगा, इसी के बारे में मैं आज बताऊंगा। अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट कर दीजिए, क्योंकि बहुत लड़के ऐसे कॉमेंट करते हैं कि सर ये जो बदलाव हुआ डीजीटी के द्वारा आप वीडियो नहीं डाले हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जानकारी के लिए आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, बताते हैं कि प्रैक्टिकल एक एग्ज़ाम होगा आपका आईटीआई में, इसे तो ऑफलाइन होगा तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। और उसके बाद ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी का, उसमें थ्योरी जो होगा उसमें 38 क्वेश्चन रहेंगे 76 मार्क्स का, यानी सीबीटी में जो थ्योरी पेपर होगा 38 क्वेश्चन होगा वो 76 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन पर दो मार्क्स दिया जाता है। उसके बाद जो WCS और ED की परीक्षा होती थी तो वो भी आपको ऑनलाइन ही ED का परीक्षा मतलब CBT के द्वारा लिया जाएगा। तो WCS में आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6-6 प्रश्न रहेंगे और वो जो प्रश्न रहेंगे वो दो दो मार्क्स का रहेगा और दो दो मार्क्स का रहेगा, तो 6 क्वेश्चन ED का और 6 क्वेश्चन WCS का, यानी 12-12 मार्क्स, यानी टोटल हो गया 24 मार्क्स। और उधर ट्रेड थ्योरी में जो है 76 मार्क्स हो गया, यानी कुल मिलाकर के आपको 100 मार्क्स का ये CBT पेपर होगा। CBT पेपर में 100 मार्क्स का होगा और इसमें कुल प्रश्न की संख्या 50 होगी, कुल प्रश्न की संख्या 50 होगी। 38 क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी से पूछेगा और 6-6 क्वेश्चन WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछेगा और उसी में जो है 100 मार्क्स का आपका लिया जाएगा। दूसरी बात हम करें इम्प्लायबिलिटी स्किल का, तो इम्प्लायबिलिटी स्किल में जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे और वो भी दो दो मार्क्स का होगा, तो इसमें कुल जो है 50 मार्क्स होगा। और इस तरह से आपका एक ही साथ, यानी कुल कहा जाए तो CBT ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा कुल अंक 150 का होगा, यानी 150 अंकों का आपका CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो एक ही दिन जिस दिन पढ़े एक ही दिन में आपका हो जाएगा। अब इसमें है कि पास करना, पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो पासिंग मार्क्स होगा 33%। जैसे 50 जो इम्प्लायबिलिटी स्किल में जो पासिंग रखा गया है, यानी 33%, यानी 50 का 33% आप निकालेंगे तो 17 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर 17 मार्क्स से आप नीचे लाते हैं तो आप का रिजल्ट नहीं बनेगा, यानी आप पास नहीं कर पाएंगे, यानी फेल हो जाएंगे। तो 17 मार्च से ही 50 मार्च में आपको 17 मार्च लाना है। उधर ट्रेड थ्योरी WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग में 100 मार्क्स में आपको 33% ही मार्क्स लाना होगा, यानी पासिंग मार्क्स 33% है, यानी 33 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ये था WCS, ट्रेड थ्योरी और इंजीनियरिंग ड्राइंग। खास करके पहले जो एग्ज़ाम लिया जाता था वो इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का होता था जो ऑफलाइन होता था, और बाकी जो है पेपर का CBT ऑनलाइन लिया जाता था। लेकिन
अब इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा नहीं देनी होगी। क्योंकि होता था क्या कि बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल कर जाते थे और DGET को ग्रेस मार्क्स दे करके जो है पुनः उसको पास करना पड़ता था। तो थोड़ा होता था क्या कि बच्चों में कमी के कारण वो पास नहीं कर पाते थे या जो भी हो। तो अब ITI पास करना बिल्कुल ही आसान हो गया है और जो भी है थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ते हैं PDF के माध्यम से, निमी पोर्टल पर का जो PDF है उसको अगर पढ़ते हैं तो WCS इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ करके आप ऑनलाइन परीक्षा में पास हो सकते हैं। बस जानकारी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।